नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी पांडे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि विधानसभा 2022 के चुनाव बहुत नजदीक है। इसको देखते हुए अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो बयानबाजी में लग गए हैं। हमने कल देखा कि कैसे BTC ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी हुए, उसमें भी बयानबाजियां चली। और जिस तरह से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, अलग अलग पार्टियों की अपनी तैयारियां हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव त्रिभुवन नारायण मिश्रा जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे, कई मुद्दों पर जानेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं 2022 को लेके, किन मुद्दों को लेकर इस बार कांग्रेस पार्टी उतरेगी मैदान में और कितनी तैयारियां हैं। और जनता की जो नब्ज पकड़ने की बात कही जाती है, क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी का बहुत दिन तक दौर चला, लेकिन बीच में जिस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी दगमगाती नजर आई, कि क्या प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या रंग लाएगी, इनसे बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। किस तरह की तैयारियां हैं 2022 के विधानसभा में, कितनी सीटों पर पहले तो आप लड़ेंगे और किस तरह की तैयारियां हैं आप मुझे बताइए। पहली चीज तो हम आपको ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अपने बूते लगेगी लड़ेगी और किसी भी पार्टी से कोई समझौता नहीं करेगी। ये हमारे पार्टी का निर्णय हो चुका है। मतलब गठबंधन किसी से नहीं करना, चाहे छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियां किसी से भी नहीं, कोई फिलहाल तो अभी तक का यही निर्णय है। अच्छा, और बाकी प्रियंका गांधी इस बार जिस तरह से वो महासचिव बनाई गई है, तो उनके नेतृत्व में क्या अलग चीज देखने को मिलेगा जनता को इस बार? देखिए, जनता को देखने को नहीं मिलेगा, जनता को देखने को मिला है। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में मोदी जी की सरकार, इन लोगों ने नारा दिया था कि हमारी सरकार आएगी, गुंडागर्दी खत्म करेंगे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो है उसको रोकेंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे और तमाम सारी बातों का उन्होंने वादा किया था। काला धन वापस लाएंगे, किसानों को उनके उपज का उनके लागत का दूना दाम देंगे। इन सारे सवाल केवल उनके वादा ही रह गए और पूरे प्रदेश में गुंडों का राज है, अफसरशाही है, किसान परेशान है, उनको उपज का दाम मिलना दूर, आज 6 महीने से ऊपर हो गए, आप जानती हैं दिल्ली के बॉर्डर पर पूरे देश का किसान किस तरह से जाड़ा बर्दाश्त किया, गर्मी बर्दाश्त किया, बरसात में बैठा है, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। आज तमाम दैवीय आपदा आई जिसमें किसानों के फसल बर्बाद हो गए, अभी गेहूं का फसल बर्बाद हो गया, अभी अतिवृष्टि से लोग अपना रोपाई नहीं कर पा रहे हैं, उन जो बीज डाले थे वो बर्बाद हो गए, सड़ गए, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। जहां तक महिलाओं का सवाल है, पूरे प्रदेश में मैं कितना गणना कराऊं, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग सब जानती हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं, हाथरस में एक दलित गरीब की बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ, ये सरकार अत्याचारियों को सजा दिलवाने के बजाय उनके परिवार को ही फंसाने में लग गई। अगर प्रियंका गांधी न होती, कांग्रेस न होती, तो उस गरीब की बेटी का जान और इज्जत तो गया ही, उसका लड़का, उसके माँ, उसके बाप भी आज जेल में होते, ये प्रियंका गांधी ने किया है। और पूरे प्रदेश में ऐसे कितनी बहनों के लिए, कितने दलितों के लिए, कितने लोगों के लिए ये प्रियंका गांधी एक आवाज बनी है। जब सपा बसपा जो मुख्य पार्टियां हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई, मायावती तो बिल्कुल बी टीम बन गई, प्रवक्ता बन गई। ऐसा आपका कहना है कि ये, क्योंकि मैं ये बयानबाजी लगता है चलती आ रही है कि जो बसपा है वो टीम बी टीम बन गई, ऐसा क्यों आपको लगता है? हमको इसलिए लगता है कि मायावती जी की राजनीति तो गरीब दलितों को न्याय दिलाने के लिए ही उदय हुआ था, और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। वो महिला है और हाथरस में एक गरीब दलित की बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ और जिस तरह से सरकार का वहां रोल रहा, विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से रोका जाता रहा, मारा जाता रहा, फिर भी मायावती भाजपा को घेरने के बजाय कांग्रेस को घेरती रही,
कांग्रेस की निंदा करती रही। मैं ये कहता हूं कि ठीक है, कांग्रेस ने जो कुछ भी किया हो, अच्छा किया बुरा किया, लोग के आज सामने है, अगर कुछ खराब किया तो उसी के खिलाफ बोल करके जनता उसका निर्णय ले दी, नहीं ली भी सरकार को उनको बनाई, तो आज जो गलत हो रहे हैं उसका जवाब कांग्रेस थोड़ी देगी, वो तो कांग्रेस सवाल पूछेगी। और हमारे नेता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी 2 करोड़ नौजवानों को इन्होंने रोजगार की बात किया था, रोजगार मिलना तो दूर, इनकी अदूरदर्शिता के कारण इनका पूरा देश फतह करने की जो इच्छा है वो सिकंदर की तरह कत्लेआम हो जाए, लोग मर जाएं, उसके नाते देश के अंदर कोरोना का जो भयावह स्थिति आया उसमें लोगों के साथ कौन सी दुश्मनियां क्या क्या हुआ आप सब लोग जानती है, बहुत ज्यादा मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिले, अस्पताल नहीं मिले, दवाओं का ब्लैक मार्केटिंग हुआ, लेकिन WHO ने तो योगी सरकार की तारीफ की थी। अब वो कैसे तारीफ की मैं नहीं जानता, जमीनी हकीकत तो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। आपके घर का परिवार का अगर कोई बीमार हुआ होगा तो आप जानती होंगी, मेरे परिवार में मेरे 2 चचेरे भाई मर गए और मैं खुद अस्पताल खोजता रह गया। मेरा दोस्त मर गया महाराजगंज में, वो उत्तर प्रदेश पिछड़ा कांग्रेस का महासचिव था ज्ञानेंदु पटेल, मैं उसके लिए अस्पताल खोजता मिल गया, किसी तरह से मिला, 6 से 7 लाख रुपया अस्पताल वालों ने ले लिया, रेमडेसिविर 30,000, 40,000, 50,000 में ब्लैक मार्केटिंग तो बहुत मिला, तो कैसे। लेकिन एक सवाल मिश्रा जी मेरा ये रहेगा इसके बीच में कि बंगाल के चुनाव हमने देखा, उसके पहले हमने बिहार के चुनाव देखे, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी क्यों फिर वो जनता में वो विश्वास क्यों नहीं जगा पा रही है, कहीं पार्टी के अंदर संगठित चीजें नहीं है, या वो जो पहले कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी इंदिरा गांधी के जमाने में की सड़क से लेकर संसद जो तक जो चलता था मुहिम वो नहीं चल पा रहे हैं, या क्या, क्योंकि विपक्ष अभी भाजपा के खिलाफ वो दिख नहीं रहा है लोग, क्योंकि मैं जनता के बीच में जानती हूँ जनता का यही कहना है कि योगी सरकार दोबारा आएगी। देखिए ऐसा है कि मैं नहीं जानता किसने आपसे कहा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और ये कुछ मीडिया में, और मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो मीडिया के रोल में नहीं बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रोल में काम करते हैं, वो कहते हैं विपक्ष की भूमिका नहीं दिख रही है। कहाँ नहीं दिख रही है, ये लोग कहते हैं, गाँव का गरीब आदमी कहता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई पार्टी लड़ रही है, विपक्ष की भूमिका में लड़ रही है, तो केवल एक पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता का नाम है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, उनके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे लोगों के लिए लड़ते हुए, सड़कों पर बैठते हुए, राजभवन घेरते हुए, किसान का मुद्दा, गरीब का मुद्दा, व्यापारी का मुद्दा, वकील का मुद्दा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का मुद्दा, और अभी मायावती जी दलित की बात करती है। आजमगढ़ में कई दलितों के घरों को प्रशासन के लोगों ने तोड़फोड़ किया, महिलाओं को मारा पीटा, उधार दिया, उसके खिलाफ कहीं कोई नेता, चाहे सपा का अखिलेश यादव का पार्लियामेंट्री क्षेत्र है वो, और मायावती दलितों की नेता है, किसी की, लोगों के आंख पर पर्दा पड़ गया है, आंख में उनके रुई पड़ गई है, गरीबों की चीख नहीं सुनाई दी, वो चीख प्रियंका गांधी ने सुना, अजय कुमार लल्लू ने सुना, और अभी लगभग 1 हफ्ते 10 दिन से वहां धरना चला है, फिर इस समय अनशन चल रहा है, और 12 तारीख को वहां बहुत बड़ा दलित सम्मेलन हम करने जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, उन दलितों को न्याय दिलाने के लिए, वहाँ के SHO के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन हम लोग चाहते हैं वहाँ के SSP और DM के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। जहाँ चीजें ऐसी हो वहाँ तो अच्छा, एक बयान अभी बीच में OP राजभर जी का आया था कि सारी जातियों के हम लोग एक एक साल मुख्यमंत्री बनाएंगे और 20 से ज्यादा DP CM, क्या लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ जातीय राजनीति रह गई है, कि हम इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, क्या लालसा देने का कारण है? दूसरी तरफ संजय निषाद जी का यह बयान आता है कि मुझे उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि 3 से 5 लाख के वोटर्स निषाद जाति के यहाँ पे हैं, तो क्या है ये लालसा है कि पार्टी को दबाव डालने की कोशिश है, क्या है, क्या लगता है आपको? देखिए ऐसा है, अभी इसके पहले एक सवाल आपने किया था कि बिहार में कांग्रेस क्या नहीं कर पाई,
उसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि बिहार की अगर मैं बात करूं तो वहां पे ओबीसी जी ने जब लड़ाई की तो वहां पे फिर भी उन्होंने 5 से 7-8 सीटें निकाली। अब उत्तर प्रदेश में भी वो उसी के दमदारी पे मुझे लगता है 100 सीटों पे लड़ने को तैयार थे। इस बार मुसलमान किसके साथ जाएगा, क्या कांग्रेस के साथ जाएगा कि सपा के साथ जाएगा कि ओबीसी की जी के साथ जाएगा, सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं। हम आपकी पूरी बातों का जवाब देना चाहते हैं उसी कड़ी में। देखिए हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, राजनीति किया हूँ। राजनीति के बहुत बड़े विद्वान थे अरस्तु, आप जानते होंगे, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने कहा था कि जाति और धर्म का नशा अफीम से ज्यादा नशा करता है। जिस देश में अराजकता, भ्रष्टाचार, तानाशाही, गुंडागर्दी, अफसरशाही, लूट, व्यभिचार, भ्रष्टाचार बढ़ाना हो, वहां के लोगों को जाति और धर्म का नशा पिला दो, फिर वो कुछ सोचेंगे नहीं, उसी के इर्द गिर्द सोचेंगे। आज इसीलिए कांग्रेस पार्टी जहां कहीं भी है हमें संतोष है। हम केवल सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम देश के लिए करते हैं, इसलिए कि हमारे जीन्स में है, हमने आजादी की लड़ाई लड़ा है, किन मुश्किलों में मिला है देश को आजादी हम उसे जानते हैं। हम एक जाति और धर्म की राजनीति नहीं, हम समाज के लिए काम करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं। और कुछ लोग हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, ये धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर, कुछ लोग हैं सिरफिरे लोग, वो जात के नाम पर समाज को बांट करके अपने जात का भला ये लोग नहीं करते हैं। आप देखें, चाहे संजय निषाद हों, चाहे राजभर जी हों, या चुनाव में और तमाम जातीय संगठन उभर के आते हैं और वो फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं, पैसों की ब्लैकमेलिंग करते हैं, सीटों की ब्लैकमेलिंग करते हैं। वो सीट मांगते हैं तो अपने समाज के किसी गरीब व्यक्ति के लिए नहीं मांगते हैं, किसी योग्य व्यक्ति के लिए नहीं मांगते हैं, वो अपने लिए मांगते हैं, अपने बेटे के लिए मांगते हैं, अपने भाई के लिए मांगते हैं, अपने बीवी के लिए मांगते हैं। ये इंतजाम तो कांग्रेस पार्टी में भी लगते आ रहा है कि परिवारवाद उसमें भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस पार्टी आज नहीं, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, राहुल गांधी, हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में पूरा लोकतंत्र है। और आज नहीं, पंडित नेहरू जी के जमाने से और यहाँ उसके पीछे भी जाए तो महात्मा गांधी जी के जमाने से कांग्रेस में लोकतंत्र है, चुनाव कराया जाता है। अगर चुनाव में कोई पंडित नेहरू को पूरा कांग्रेस ही नहीं पूरा देश नेता मान लिया तो उसके लिए क्या किया जाए। इंदिरा गांधी जी को फिर चुनाव हुआ था, लोग लड़े थे इंदिरा जी के खिलाफ, राजीव जी के खिलाफ जितेन प्रसाद के पिताजी लड़े थे जितेंद्र प्रसाद जी, लेकिन लोगों ने इंदिरा जी को नेता माना, राजीव जी को नेता माना। आज तो कई महीनों से राहुल जी तो कह रहे हैं कि भैया मैं अध्यक्ष पद छोड़ दिए हैं, आ जाए ना अध्यक्ष पद पर। सोनिया गांधी जी को ही बनाया गया, नहीं नहीं नहीं, वो तो कह दिया कि भाई आप चुनाव कराइए, आंतरिक लोकतंत्र है, आप आइए चुनाव कराइए, जो लोग बनना चाहें वो आए। ऐसा तो डर तो नहीं है या फिर वो एक को दबाव तो नहीं होता है कि किसी एक ही नेतृत्व जी नहीं जी नहीं जाए। अगर हमारा नेतृत्व कोई भी नेतृत्व अगर वो सफल है, कुशल है, ईमानदार है, देश का विश्वास है, देश के को आगे ले चलने की उसके अंदर इच्छा शक्ति है, चरित्र है, उसके बातों में विश्वास है, तो क्या जरूरत है हम अपना नेता बदलें। जब उसके अंदर कोई कमी आएगी, कोई खामी आएगी। पिछले साल तो हमने पिछले चुनाव में तो हमने देखा कि रायबरेली के अलावा कोई सीट ही नहीं बची, अमेठी से भी राहुल गांधी जी को हार का सामना करना पड़ा, स्मृति ईरानी जी ने वहां पे दबदबा जमा दिया। देखिए मैं कह रहा हूं, वो अलग बात है, ये चुनाव हारना और जीतना ठीक है नहीं। हमारे यहाँ बहुत योग्य योग्य लोग हुए हैं और नाम नहीं लूंगा मैं, उनको भी मामूली लोगों ने हरा दिया था ठीक नहीं, वो परिस्थितियां होती हैं। लेकिन फिर राहुल गांधी जी ने वहाँ करनाल में जाके ये बयान दिया था कि यहाँ की राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति से अलग है, मैं वहाँ की राजनीति को एंजॉय कर रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश की जनता में एक वो जो भावना, हीन भावना तो पैदा होगी ना। आपके मानते हैं आप इतने बड़े नेता हैं और आपके उत्तर प्रदेश से अगर आपको हार का सामना करना पड़े तो आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं वहाँ जाके। देखिए ऐसा है वहाँ इसलिए उन्होंने किया, दक्षिण में अब भी काम को, विकास को, रोजगार को, किसानों के सवाल को,
इन मुद्दों को आज भी महत्व दिया जाता है, यह कहने का आशय था राहुल जी के। आपको लगता है कि मीडिया या फिर कुछ नेताओं ने उसको तोड़ मरोड़ के? बिल्कुल बिल्कुल तोड़ मरोड़ के। अब भाई राहुल जी कहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार दो, जो वादा किया था, जब वो कहते हैं रोजगार दो तो ये कहते हैं जय श्री राम, राहुल गांधी तो राष्ट्रद्रोही है। जब नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं तो राष्ट्रद्रोही है। राफेल में, लेकिन राफेल में तो फंस गई भाजपा, फंस गई भाजपा। उनको तो क्लीन चिट मिल गई, कैसे आप ये बात कह रहे हैं? किसको क्लीन चिट मिल गई? अरे इनकी सरकार है, इन्हीं को चोरी करना है, इन्हीं को जांच करना है। चोर ही अगर वो चौकीदार बन जाता है, जांच करने लगता है। राफेल सौदे में अफ्रीका की वहां की सरकार ने, फ्रांस की सरकार ने न्यायिक जांच शुरू करवा दिया है। वो उसको लगा कि हाँ इसमें कमलेबाजी हुई है। अभी जांच जो दोबारा शुरू हुई उसके बाद क्योंकि बात ना करें तो पहले तो उनको क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन अरे तो कौन दिया, किसने दिया? आप कह रहे कि पूरा प्रशासन शासन सब मोदी जी, मोदी जी ने खुद ले लिया ना अपने आप। अच्छा, ये कह दिया कि ये तो भाई देखिए, आपको लगता है उस वक्त विपक्ष को जो भूमिका निभानी चाहिए थी और संसद ने जिस तरह से वो निभा रहे हैं हर सवाल पर निभा रहे हैं। हम हिंदुस्तान के सीमाओं के सवाल पर निभा रहे हैं, हम चीन के बॉर्डर पर हमारे प्रधानमंत्री के दूरदर्शिता के कारण। ये कहते हैं कि राहुल गांधी आतंकवादियों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, फिर अब राहुल गांधी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं या वो लोग खड़े हैं जिनके परिवार के लोगों ने कभी देश के लिए अपना नाखून भी नहीं कटवाया, और राहुल गांधी के परिवार के लोगों ने अपनी दादी और अपने पिता का शहादत आतंकवादियों के ही हाथों दिया, आतंकवादियों ने ही लिया, और देश के लिए उन्होंने समझौता नहीं किया, और इतना बड़ा दिल रखा कि ये दो परिवार ने अपने बाप के हत्या में जो सजा काट रही थी महिला, उसके बच्चे और उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसको जाकर के माफ कर दिया। ये दिल केवल इंदिरा गांधी परिवार में है। और दूसरी चीज मैं एक बात और कहकर के अपनी बात खत्म करूंगा, अगर आप कुछ और पूछना चाहेंगे तो उस पर रोक नहीं है। जिस कुर्सी के लिए अपने सारे आचरण विश्वास, अपने ऐसे लोगों को जिसे गुरु कहा करते थे, पैर छुआ करते थे, उससे नमस्कार करने में भी मोदी जी संकोच करते थे, और किनारे करके सत्ता पाने के लिए सब कुछ कर डाला। उस सत्ता को मैं राम से तुलना तो नहीं करूंगा, लेकिन धर्म और इतिहास में राम के बाद हिंदुस्तान में केवल एक नारी पैदा हुई जिसने सत्ता का परित्याग किया, एक बार नहीं दो तीन बार किया। उसका नाम है सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी की बहू, राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी की पत्नी, जवाहरलाल जी की नतोहू, जिसका नाम ले लेकर के रोज केवल उन्हीं को गाली देने का काम मोदी और योगी करते हैं, और उनके बनाए हुए इस बयानबाजी में तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसको लेकर तो बहुत सारी चीजें थी। लेकिन आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि अभी जिस तरह से जिला पंचायत के चुनाव हुए, उसके बाद बीडीसी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, अभी ब्लॉक प्रमुख के, उसमें भी कुछ प्रदर्शन नहीं देखने को मिला कांग्रेस पार्टी का, तो क्या विधानसभा में की क्या उम्मीदें हैं? बस ये आखिरी सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए आप। देखिए ऐसा है, आप देख रही हैं और आज पूरा मीडिया और सोशल मीडिया और पूरा समाज देख रहा है किस तरह से जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ। इसमें धन बल और प्रशासन, ये तिकड़ी मिलकर के इस चुनाव को लड़ी है और जीत रही है। और जबकि इसका बीजारोपण करने का काम मायावती और अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के सरकारों में हुआ था। यही बात सामने आती है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। उस बीज का जो उन्होंने डाला था, आज उसका परिणाम है वो बट वृक्ष बन गया। उससे ज्यादा गुंडागर्दी, अराजकता, प्रशासन सत्ता का रोल अदा कर रहा है। और सबसे बड़े दुख की बात हुआ, हम लोगों ने बोला है कि जिस तरह से महाभारत में धृतराष्ट्र द्रौपदी का चीरहरण देख रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी एक महिला का चीरहरण हो रहा था, और योगी धृतराष्ट्र, मोदी धृतराष्ट्र बनकर के आपके पट्टी बन के
देख रहे थे, उनका भी वही दुष्परिणाम होने वाला है जो महाभारत में दुर्योधन और धृतराष्ट्र का हुआ था। क्योंकि जब जब नारी का अपमान होगा तब तक महाभारत होगा, और महाभारत में धर्म युद्ध लड़ा जाएगा और जीत धर्म की होगी, और धर्म की लड़ाई न सपा लड़ रही है न बसपा लड़ रही है। आज धर्म की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू लड़ रहे हैं। इसका तो फिर 2022 में हमें देखने को मिलेगा नतीजा। बिल्कुल जी। तो ये हमारे साथ त्रिभुवन नारायण मिश्रा जी थे, इन्होंने अपने बहुत सारे मुद्दों पे बात रखी। 2022 को लेकर सभी सीटों पे कांग्रेस पार्टी पूरे बलबूते के साथ उतरेगी, और क्या परिणाम रहेगा वो तो 2022 में देखने को मिलेगा। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए गोरखपुर लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।